कईयों ने नीचे संचालित होगा म्यूजियम के द्वारा कि जहाँ इस दुनिया के स्टेज की लाइट्स साउंड मूवमेंट एक्शन जिम्मेवारियाँ रोल्स टाइम कुछ भी कोई भी बंधन नहीं आत्मा केवल ज्योति बिंदु प्रकाश अपने आप नो शरीर नो रोल्स शांति में सुकून में और उस शांति और सत्य के प्रकाश में मुझे परमात्मा के साथ का एहसास भी होता है क्योंकि वो भी उसी परे से परे परम धाम में निवास करते हैं और वहाँ उनसे मिलकर हम सर्व संबंधों का सुख आत्मा अनुभव कर सकते हर एक संबंध में अलग अलग गुण और शक्ति जो कुछ उनकी प्रॉपर्टी है वो हम महसूस क्या प्रॉपर्टी है उनकी क्या प्रॉपर्टी है भगवान की हाँ जी बहुत सारी गाड़ियाँ घर जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो हम मांगते रहते हैं ना प्यार शांति शक्ति खुशी तो ये शक्तियाँ हम अपने आप में भरते हैं भरपूर होते हैं तो फाइनली ये पूरी प्रक्रिया याद रखने के लिए जस्ट 6 वर्ड्स Watch, match, and catch. And then feel, fill, and flow. Repeat karenge. Watch, match, catch. Then feel, fill, and flow. Okay? Watch your thoughts. When you watch your thoughts, they slow down and you can control them. You can take them in the direction you want. Match your thoughts. Match your thoughts and feelings with that of God. Paramatma, God thinks about peace, thinks about love, he thinks about happiness. Let me create thoughts of peace, love and happiness. जैसे टीवी रेडियो की हम ट्यूनिंग करते हैं ऐसे मन के वाइब्रेशन की ट्यूनिंग And when we match it, what will happen? We will catch the vibrations. We will feel the vibrations. When we connected, then be careful, दिल से हृदय से कनेक्ट करना तब हम उनके प्रेजेंस को फील कर सकते फील इट फील इज प्रेजेंस फील द रिलेशनशिप फील योर सेल्फ विद वॉट ही हैज एंड देन फ्लो ब्रिंग इट बैक व्हेन यू कम बैक इन टू कॉन्शियसनेस हियर एंड लेट इट फ्लो थ्रू योर आईज थ्रू योर वर्ड्स थ्रू योर लाइफ This is meditation. अभी चलें इस एहसास को करने के लिए अगले 15 मिनट में हम पहले अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे उस समय अपनी आंखें बंद करेंगे सबसे पहला कदम क्या लेंगे अपने अपने मोबाइल फोन तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है तो यहाँ के कनेक्शन 15 मिनट के लिए तो त्याग सकते हैं ना तो स्विच ऑफ या Complete silence. Don't entertain any calls, please, for 15 minutes. और अगर किसी को खड़े होना है, stretch करना है, is anybody having any problems? Comfortable? ठीक है. तो alert and comfortable, हाथ में कुछ हो तो side में रख दीजिए. And बहुत ही आराम से बैठिएगा. जब रिलैक्सेशन करेंगे तो आंखें बंद करेंगे जब आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तब आप आंखें खोल कर नेचुरली उनको खुला रख सकते हैं और एक अनुभूति की यात्रा में जाएंगे आपको सहयोग देने के लिए हम आपको कुछ संकल्प देंगे म्यूजिक ट्रैक भी बजेगी और सामने एक विजुअलाइजेशन भी होगा लेकिन ये याद रखिएगा कि आप उस विजुअलाइजेशन म्यूजिक वगैरह में भटक नहीं जाएगा लेकिन उसका सहयोग ले ये सब केवल एक आईना है इस आईने के आधार पर हमें भीतर की अनुभूति करनी है ठीक है तो ये प्रोसेस हम 15 मिनट के लिए करेंगे 15 मिनट के लिए मन को तैयार करें एक बहुत सुंदर यात्रा के लिए हम तैयार हो रहे हैं तो अगर कोई भी दूसरी थॉट्स भी आए तो उसको समझा लें ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना और हम सभी एक बार
शुरुआत में अपनी आंखें बंद करेंगे, जैसे संकल्प दिए जा रहे हैं वैसे वैसे अनुभव करते जाएंगे। सभी आंखें बंद करें प्लीज, रिलैक्सेशन के लिए। हम सभी अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, हर एक अंग को रिलैक्स करते हुए, भीतर कोई भी टेंशन हो उसे रिलीज करेंगे। पूरा शरीर कंफर्टेबल है और इस यात्रा के लिए तैयार है। मैं अपने आप को तैयार करती हूँ परमात्मा से मिलने के लिए, इस सुंदर यात्रा के लिए। परमात्मा जो इस आत्माओं के परिवार में सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, सदा पवित्र, सदा शक्तिशाली, सदा प्यार लुटाने वाला और जो सभी का प्यारा है, उस पवित्र प्रेम की क्षमा से मिलने मैं परवाना अपने मन और हृदय को सवार रहा। मुझे कोई भी बात डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी सुंदर यात्रा पर हूँ। मैं एक अमर प्रकाश हूँ, एक आत्मा हूँ। इस मानव शरीर के पर्दे को हटाकर मैं अपने आंतरिक प्रकाश को उजागर करती हूँ। मैं रूह हूँ, एक बहुत सूक्ष्म बिंदी हूँ जिसमें अनंत ऊर्जा समाई हुई है। इस शरीर को प्राण देने वाली मैं ऊर्जा हूँ। इस शरीर के भीतर मैं आंखों के पीछे मस्तक के बीचों बीच रहती हूँ। मेरी ये चैतन्य ऊर्जा सारे शरीर में फैलकर एक प्रकाशमय काया या ऑरा के रूप में भी महसूस होती है। मैं आत्मा अमर हूँ। रोजमर्रा के जीवन में ये याददाश्त कहीं खो जाती है, इसलिए मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ। मैं अमर हूँ। ये शरीर खत्म हो जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन मैं सदा हूँ। सभी अपनी आंखें खुली रखेंगे, इस अनुभूति को हम खुले दृश्य से देखेंगे। मैं मूल रूप से इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं आई थी रूहों के घर, मेरे घर से, वो घर जहाँ परमात्मा भी निवास करते हैं और मेरा इंतजार करते हैं कि कब मैं दिल के उमंग से विचारों की उड़ान भरकर उनके पास पहुंचूं। ये अनोखी यात्रा करने के लिए मैं इस भौतिक दुनिया से मन को पार ले जाती हूँ। यहाँ के वस्तु वैभव संबंधों से पार, एक प्यार भरे दृढ़ विचार के बल से मैं आत्मा यहाँ से अपना भान हटाकर सृष्टि के पार, अंतरिक्ष के पार, प्रकृति से बहुत दूर बसे अपने मूल घर में पहुंचती। ये ज्योतिर्मय वतन
ये शांति का देश है। यहाँ का सुंदर दृश्य मैं अपने खुली आंखों से भी महसूस कर सकती हूँ। बस मुझे अपना भान यहाँ से हटाकर अपने मूल घर में लगाना है। इस घर में सुनहरे लाल प्रकाश की रंजन है। यहाँ सृष्टि के रंगमंच का शोर, आवाज, मूवमेंट कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुक्त हूँ। यहाँ इस सुकून और चैन की दुनिया में रहते मुझे एहसास होता है भगवान की मौजूदगी का। ये हसीन नूर, ये असीम प्यार का सागर अपनी प्रकाश में लहरों से मुझे आकर्षित कर रहा है। मैं इस प्रकाश की बरसात में आनंदित हूँ। मेरे मन का कोना कोना प्रकाशित हो रहा है। मन का सारा अंधेरा, डर, शंकाएं, चिंताएं जैसे गायब हो रही है। मैं कितने चैन से अपने इस परम मां की गोद में समा जाती हूँ। अमन की लहरें, शांति की लहरें मेरे दिल को, मन को ठंडक दे रही है। शांति के सागर में समाकर मेरा मन स्थिर हो रहा है। मैं फिर अपने माँ बाप की गोद में पहुंच गई हूँ। यही मेरा जहां है। परमात्मा मेरे शिक्षक भी हैं। मुझे सत्य ज्ञान की शक्ति से भर रहे हैं। जब भी मैंने दिल से आपको याद किया है, आपने हाथ पकड़कर मुझे रास्ता दिखाया है। मुझे आपसे कोई डर नहीं, आपने मुझे स्वीकार किया है, इतना प्यार दिया है जो मुझे अपने आप पर भी विश्वास है। ज्ञान की इन किरणों से मेरे मन में, बुद्धि में स्पष्टता आती जा रही है। उलझने सुलझती जा रही है। वो प्यारे साथी, तुम्हारे प्यार में मिठास है, रहम है,
सकती है। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। मैं अपने दिल के हाल तुझे सुना सकता हूँ। तेरे स्नेह से मेरे जन्मों के घाव भर जाते हैं। तेरे प्यार की रोशनी में मुझे सब प्यारे लगते हैं। मुझे मैं प्यारा लगता हूँ। मैं हर रिश्ते का सुख तुझसे महसूस कर सकता हूँ। कभी मेरा बच्चा बनकर जो मुझे रिझाता है, हर खुशी देता है। तेरी मुस्कान ही मेरे प्राण है। तेरी मासूमियत, तेरी रौनक, तेरी खुशबू मेरे जीवन को खुशी से महका रही है। अच्छा बताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अधिक है या तुम्हारा? तुम भी तो यहाँ बैठे बैठे मुझ आत्मा को निहारते रहते हो। मेरे हृदय की डोर खींचते रहते हो। मेरे अविनाशी जीवन साथी, तुम्हारा साथ मुझे एक पल में शक्तिशाली बना देता है। मेरी कमियों को तुम भर देते हो। हमेशा साथ निभाते हो। मुझ में विश्वास रखते हो। दिल तो करता है मैं यही रह जाऊं, पर अब मुझे पता है मैं जब चाहूं मेरे इस वतन में अपने प्यारे साथी से मिलन मनाने मैं आ सकता हूं। मैं आत्मा अब सृष्टि की ओर फिर लौटते एक तेजस्वी खिलखिलाते सितारे की तरह। इस शरीर में फिर से मस्तक में अपना स्थान ग्रहण करते हो। इस दुनिया की स्टेज पर मैं एक विशेष एक्टर हूं। जहां जहां मैं धरती पर कदम रखूंगी, परमात्मा के वरदानों की रोशनी एक स्पॉटलाइट की तरह मुझ पर पड़ती रहेगी। इस सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस के पश्चात
अभी समय है जो आत्मज्योत हमने जगाई है उसको प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करने की, इसीलिए आज की इस शाम की मंगल विधि कैंडल लाइटिंग की ओर हम प्रोसीड करते हैं। कहते हैं ज्योति संकेत है हमारी खुशी का, ज्योति संदेश है परमात्म अनुभूति का, आध्यात्म मशाल से रोशन हो रहा है जगत सारा, क्यों ना इस दिव्य प्रकाश से आलोकित कर दे अंतर मन हमारा। और इसीलिए आप सभी के पास भी कैंडल्स पहुंच रही है, हम सभी इस कैंडल लाइटिंग विधि में शामिल हैं। विधि इस प्रकार से रहेगी, कुछ मेहमानों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और सभी के पास ये कैंडल्स पहुंच रही हैं। सर्वप्रथम हम तीन बार ओम शांति का स्वर एक स्वर में उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात हम दीप को जगाएंगे और उसके बाद रीता मजुमदार जी भी हमारे बीच मौजूद हैं जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के कई मेडिटेशन सॉन्ग्स आपने गाए हैं और फेमस प्लेबैक सिंगर तो आप हैं ही, वो हमें परम ज्योति से आत्म ज्योति जगाएं, उन शब्दों पर परमात्मा ज्योति प्रकाश की याद दिलाते हुए गीत गाएंगी और हम सभी उस समय अपनी कैंडल्स को हिलाते हुए अपनी आत्म ज्योति प्रकाशित होने का भी अनुभव करेंगे। तो आप सभी के पास तो कैंडल्स पहुंच ही रही हैं और अभी मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आप में से ही कुछ ऐसे महानुभवों का कि जो हम सभी के समक्ष आकर ज्योत जगाएंगे। सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं नेशनल अवार्ड विनर एंड डायरेक्टर बहन कल्पना लाजमी जी को, जिन्होंने कई सीरियल ओरिएंटेड फिल्म्स बनाई हैं, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे ही मोस्ट रिस्पेक्टेड शैला जी चाडा कि जिनको आर्टिस्ट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर मिस इंडिया भी हैं, 50 से भी अधिक फिल्म्स में भी आपने कार्य किया। ऐसे ही सलमा आगा जी जिनको तो हम सभी जानते ही, आप सभी मंच पर आए। कोनिका लाल जी, हरीश भाटिया जी बिग बॉस, ऐसे ही ललितेश जी जो भोजपुरी फिल्म्स के एक्टर्स हैं, अनिल मिश्रा जी, अमित धवन जी, मुकेश रावल जी, हरीश भाई शाह जी, चांद भाई मिश्रा, बहन सीता मजुमदार जी, दिलीप सेन जी, बीरबल जी, महेश राज जी और इसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की सीनियर सिस्टर्स कुंती बहन, राज बहन, रंजन बहन, बिंदु बहन, संगीता बहन और स्वामी भाई, आप सभी को मंच पर हार्दिक निमंत्रण है। आप सभी अपनी मौजूदगी से मंच की शोभा बढ़ाएंगे और सभा में भी सभी के पास मोमबत्तियां तो पहुंची ही है और अभी हम तैयार कर रहे हैं ओम शांति स्वर के उच्चारण के लिए। जब ही आपको कहा जाए तभी आप सभी दीप जगाएंगे, इतना सहयोग देंगे। सबसे पहले तीन बार ओम शांति का स्वर कहा जाएगा। Thank you.
सी